मित्रों, आज अपने इस वीडियो में हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा का संपूर्ण विवरण बताएंगे। हम लोग यहाँ दिसंबर महीने की 25 तारीख को पहुँचे हुए हैं। ये बस स्टैंड है कटरा का, ट्रेन से हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर लेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके आगे हम लोग संपूर्ण विवरण बताते हैं कैसे आपको यात्रा करनी है। हमारी यात्रा यहाँ कटरा के बस स्टैंड शुरू होगी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है कटरा में बस अड्डे का। यहाँ से आप परचेजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे पास में देखिए, बस स्टैंड के पास ही काउंटर होता है, टिकट पर्ची जहाँ से लेनी पड़ती है। आप लोग यहाँ पे आके अपना बायोमेट्रिक करा के एक ले सकते हैं पर्ची, जो यहाँ पे आजकल एक कार्ड के रूप में मिलती है। देखिए ये है यात्रा पर्ची, यहाँ पे आके अपना करा लीजिए। आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है यहाँ पे। 10 मिनट में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने यात्रा पर्ची यहाँ से ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन कराने के बाद भी यहाँ से यात्रा पर्ची लेना ज़रूरी हो गया है, इसलिए आप यहाँ से आके यात्रा पर्ची ले सकते हैं। देखिए ढेर सारे यहाँ पे काउंटर हैं, आप किसी भी काउंटर में जा सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको एक कार्ड मिलेगा, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी और उसके बाद ही आपको कार्ड दिया जाएगा। इस तरह से कार्ड आप इसको लेके आगे प्रवेश कर सकते हैं। ये बस अड्डे के पास ही काउंटर बना हुआ है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने अपना बायोमेट्रिक कार्ड ले लिया है और यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। रास्ते में देखिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे शॉप्स हैं, जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी है तो। पूरे रास्ते आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सीन दिखाई देते रहते हैं, आप पूरे रास्ते इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं, जो हमारा भवन का रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है 1 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो पैदल चले जाएं ऑटो बुक करके, या ऐसे ही जा सकते हैं टीम के साथ, कोई दिक्कत नहीं होती। पूरे रास्ते आप आनंद करते चलेंगे। दोस्तों के 8 बज चुके हैं, हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। शाम का नज़ारा देखिए, ऐसा लगता है कि सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। कितना सुंदर माता का भवन लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा ये देखिए प्रवेश द्वार है, यहाँ पे हम लोग पहुँच आए हैं। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ आपने जो पर्ची ली है उसकी जांच होती है, आपके सामान की जांच की जाती है, उसके बाद यहाँ से ही यात्रा शुरू की जाती है। ये माता का प्रवेश द्वार कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आपकी फ्रिस्किंग की जाती है, आपके पास अगर कोई भी सामान है, तम्बाकू गुटखा ये सब चीज़ मत लेके जाया करिए, ये सारा कुछ यहाँ निकाल देते हैं। सात्विक भाव से आप यहाँ जाइए। यानी कि पूरे रास्ते में आपको स्वर्ग जैसा अनुभूत होगा। बहुत सारी ये फोटोशॉप्स की दुकान है, यहाँ से अपनी फ़ोटो आप करा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडियो बने हुए हैं, तमाम तरह के रंग बिरंगे, और ऐसा लगेगा कि आप माता के भवन से ही फ़ोटो खिंचा के आए हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे आप अपने ज़रूरत की सामानी प्रसाद खरीद सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। लौटते समय आपको ये फ़ोटो मिल जाएगी। बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियो हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे सीन दिखाई देता है। पूरे रास्ते आपको बहुत ही मनमोहक झांकियाँ इस तरह से दिखती रहेंगी। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बढ़िया दोनों तरफ यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, आप इनका आनंद लेते हुए माता रानी के दर्शन करेंगे। ये रास्ते में देखिए एक मंदिर पड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ पे दर्शन करके जाएंगे। यहाँ माता सीता, हनुमान जी, दुर्गा मैया सभी की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर झांकी बनी है। आप यहाँ पे दर्शन ज़रूर करके जाइए, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत बढ़िया मंदिर है। रात के समय तो इसका और भी मनभावन रूप होता है। जय माता दी। ये मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से यात्रा हमने स्टार्ट की थी
उस जगह से। अब ये हम लोग चरण पादुका पहुँच आए हैं, चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका के बारे में कहा जाता है कि माता रानी ने यहाँ पर रुक के पीछे भैरव बाबा को देखा था, इसी स्थान पर माता के चरणों के निशान बन गए हैं, इसीलिए इसे चरण पादुका का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आप दर्शन करके आगे चल सकते हैं, ये नीचे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ पर आप दर्शन कर जाइए, ये देखिए आगे भवन का रास्ता है। दोस्तों हम रात में ही सब यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं, रात का मौसम यहाँ बहुत बढ़िया रहता है। अभी तो दिसंबर का मौसम है, थोड़ा ठंड है यहाँ पे, लेकिन रात में चढ़ाई करने से बहुत ही आसानी लगता है, आप आराम से इस पर कर सकते हैं चढ़ाई। ये देखिए दोस्तों अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैटरी कार का टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी सेवा सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक रहती है, ये 1.5-1.5 घंटे के शिफ्ट में चलते हैं। यहाँ से आप अपना टिकट लेकर के जा सकते हैं बैटरी कार के थ्रू। ये विशेषकर वृद्ध जनों के लिए सेवा होती है, लेकिन अगर अवेलेबल है सीट्स तो सभी के लिए यहाँ पे टिकट मिल जाता है और यहाँ से बैठ के आप ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए मैंने टाइमिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं करीब 1-1.5 घंटे के अंतराल पे यहाँ पे ट्रिप जाती रही, 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक है। ये देखिए बैटरी की कार, इन कार के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। हम लोग रात में जा रहे हैं, रात में ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप दिन में आ रहे हैं तो दिन में इन बैटरी कार्स के थ्रू आप जा सकते हैं ऊपर। आगे बढ़ने पर देखिए दोस्तों ये दो रास्ते मिलते हैं। यहाँ से दाहिने तरफ का रास्ता अर्धकुंवारे होते हुए भवन को जाता है और बाएं तरफ हिमकोटी का रास्ता है जो सीधे भवन को जाता है। बाएं तरफ के रास्ते में कोई घोड़े आज नहीं जाते हैं, ये भी बड़ा आसान रास्ता है, इधर से ही चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कोई घोड़े इधर के रास्ते नहीं मिलेंगे और थोड़ा सपाट है इसलिए चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हम लोग बाएं तरफ हिमकोट के रास्ते से आगे जा रहे हैं। तो हम यहाँ ऊपर पहुँच आए हैं, ये आपके दाहिने तरफ मनोकामना भवन है जहाँ पे आप रात में स्टे कर सकते हैं। यहाँ डॉर्मेट्री की सुविधा है, मात्र 120 रुपये में डॉर्मेट्री सुविधा आप ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक भी करा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप पता कर सकते हैं अगर कोई बेड खाली है तो आप यहाँ ले सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर देखिए ये आपको दाहिने तरफ कई शॉप्स मिलेंगे, यहाँ से आप भेंट और प्रसाद ले सकते हैं। भेंट प्रसाद लेने के बाद आप यहीं पे लॉकर रूम होते हैं, अपने सारे सामान आपको यहीं पे जमा करा देने हैं, कोई भी सामान आप साथ लेके नहीं जाएंगे, सारे सामान जमा करके ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, सुबह का समय हो चुका है, अब हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर रोपवे से देखिए कितना सुंदर भवन का नज़ारा दिखता है, आप लोग आइए यहाँ। रोपवे में मात्र 100 रुपये में आप ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग आके लाइन में आके टिकट ले लीजिए और टिकट लेने के बाद आप भैरव बाबा जा सकते हैं, मात्र 5 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाएंगे और भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे। यहाँ आने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसी मान्यता है कि अगर भैरव बाबा के दर्शन आप नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यहाँ देखिए भैरव बाबा के दर्शन आप कर लीजिए, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आप यहाँ से प्रसाद लेकर के ऊपर जाके भैरव बाबा के प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये आपके दाहिने साइड में भैरव बाबा है, यहाँ थोड़े आगे जाके यहाँ पे भस्म का प्रसाद मिलता है, वो भस्म प्रसाद ले लीजिए। भैरव बाबा के सामने ही एक देखिए बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, धूप का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ से सामने से माँ वैष्णो देवी का भवन दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप लोग जब यहाँ आए तो यहाँ से फोटोग्राफी का आनंद लें। देखिए भवन कितना सुंदर भवन का दृश्य दिखाया है, जय माता दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें। जय माता दी, माता का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे।